अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, जहाँ भी रहो खुश रहो, बाद रहो, हंसते और मुस्कुराते रहो, फूलों की तरह उम्मीद करते साथ ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के शुक्र से हम भी ठीक है, घर वाले भी सब ठीक है। जो बीमार अल्लाह पाकों को शिफा आता, पर मैं जो बेलाद अल्लाह पाकों को नहीं सलाह औलाद दे। तो मैं चलते शाम का लोग जहाँ हमारा स्टार्ट हो चुका है, तो रहना हमारे साथ। तो आज जो है ना हम बना रहे आलू और अरबी की रेसिपी। तो मसल से अरबी मैंने काट लिया है, ये देखें काट के यहाँ रख दिया है। और जो है ना आलू को छिलाई कर रहे हैं अभी, फिर जो है इनको काटना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि दो छुरियाँ ना, एक छीलने वाली है और एक काटने वाली। रुक क्या अभी छील रही है मैं भी, ये जब ख़त्म हो जाएंगे छीलने वाले आलू फिर इनको काटेंगे। वाह जी वाह, इतने बड़े रिश्तेदार हैं जी। हाँ ऐशा जी, जो ऐशा से छीले नहीं जाता, ऐशा से छीले नहीं जा रहे, मुझसे छीला जा रहे, जा रहे हैं उसको, कई ऐसे भी जा रहे हैं, छील भी लिया है कितने। हाँ ये फातिमा ने आपसे जो है साथ मिलकर छिलाई की है, लेकिन आपका बस का काम नहीं था, पता है कैसे फातिमा? अच्छा फातिमा नहीं होती थी है? हाँ मैं जब अकेली होती थी मैं नहीं काट लेती थी क्या? बैठी रहती थी ना ऐसे आराम आराम सकून सकून से। अभी फातिमा आगे पूरी अरबी जो है फातिमा ने छिलाई किया है, कैसे फातिमा आपने करवाया है ना? हाँ जी, कुछ उसने कुछ मैंने कही, बाजार में गई हुई थी घूमने के लिए, मैंने नहीं छिलाई किया क्या? नहीं वैसे अब मैं फिर तभी जा, वैसे तीसरा दिन आप ऐसे कहते रहे तो ऐसा काम नहीं करते, ऐसा खेलते रहते हैं, निकम्मा ही होगी ऐसा। अच्छा पता नहीं आपको खो क्या दिया है। मुझे कुछ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाए? तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या बना रहे हैं आज? हम बना रहे हैं जी रिश्तेदार और अरबी दोनों मिक्स। ये छा गई आपके घर अरबी? बस जो न्यू सब्जी आती है ना, फिर हम उसके पीछे जो है दौड़ पड़ते हैं। ऐसे घी कैसे ये अच्छी लगती है, हम तो कभी नहीं खाया। वाह जी वाह, कभी इसका सालन खा के देखो। मैं बनाया था। अच्छा बस हमारे बच्चे सब खाते थे, हमने कहा बना दो, जब अच्छा। मैं बनाया था फिर कहते ये तो बिस्सी लग गया, मैं चार ही भी नहीं लगती। नहीं नहीं, हमने पिछली दफा जब बनाया था ना बड़े शौक से खाया था सब ने। हाँ जी, तो जब घी तुरी और करेले भिंडियां जब आई थी ना, उसके पीछे हम ऐसे दौड़े ना, एक दो उनको पता चल गया जे इधर सब्जी जो है ऐसे बनती है। इधर फिर नहीं आना। हाँ तो पूरी फैमिली जो है खा खा कर ना, एक दो उनके दांत जो है खट्टे हो गए हैं। तो अभी कहते हैं कि कोई न्यू सब्जी हो, कोई न्यू चीज हो। अभी मैंने कहा कि न्यू जो है वो अरबी आई हुई है, तो इनसे पूछे फिर कितने के जी है? कितने किलो रुपए है? 250 रुपए किलो है। डेली की वैसे 500 की सब्जी है, हो जाती है सब, अच्छी सब्जी मिल जाती है, मिसाले वगैरह होते हैं और सब्जी होती है। मैं जाता हूँ शहर से या चौक से, वहाँ से लेकर आता हूँ, यहाँ जो है वो काफी महंगी देते हैं। उस दिन पूछी थी ये 300 रुपए कह रहे थे, वहाँ 50 काम मिले हैं, तो उतनी सफा तो कर गए ना। फिर एक चीज थोड़ी लेनी होती है, जब जाते हैं फिर काफी चीजें जो चीज घर की हो ना एक दम से ले आओ, वो भी सही है क्योंकि जरूरत की जो चीज होती है वो तो लेनी होती है। तो अभी जो है कटाई कर रहे हैं मिलकर सब, अम्मी तक अभी तक नहीं आई, वो कह रही थी हम सुबह आएंगे, तो मैंने कहा ऐशा अभी हिम्मत करो खुद, तो वो ऐसा ऐसा काट रही है। फातिमा भी साथ थी अभी कटवा रही थी। आए हो अभी शाम को आएंगे, फजर को आएंगे, उसने बोला है हम एक माह लगाएंगे। रुक क्या बोले थे मुझे, मैंने कहा है मैं एक माह लगाऊंगी। चले कोई बात नहीं। हाँ। वो भी सिस्टर का घर है, एक माह नहीं लगाएगी, वो भी नहीं रहने वाली, कभी तो आएगी। हाँ इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सब्जी मैंने अच्छी खासी काट लिया है, तो अभी जरा मैं उससे पहले जरा वॉश कर लेती हूँ, तो बाद में जरा इनको पकाना स्टार्ट करूंगी, क्योंकि अरबी का लहसुन काफी ज्यादा होता है ना, फिर इसको धो दे अच्छी खासी तो ये जरा सही बन जाती है। तो रुकिए को मैंने बोला वो जरा सामान रेडी कर रही होगी, हो गई है मुझे लगता है कर गई है सामान रेडी, तो मैं जरा सब्जी वगैरह जो ना धोती हूँ वॉश करके, फिर जो ना इसको बुनाई करती हूँ, फिर जो ना आटा वगैरह गूंथती हूँ, खाना बनाती हूँ। ऊपर से टाइम जो ना हो रहा है अंधेरा, तो जल्दी से जहाँ काम निपटा लो, ये टोकरी छोटी वरना जल्दी जल्दी से हाथ लगाती, मैं ये मैं कहती हूँ नीचे ना खेल। रुकिया ने सारा सामान रेडी कर लिया है जी, पूरा पूरा
गैस सिलेंडर और बाकी बर्तन वर्तन कढ़ाई वगैरह सारी चीजें, कढ़ाई तो चिमट कढ़ाई का वो तो ये सारी चीजें कहाँ पे सामान है लेके है। हाँ कढ़ाई का ढक्कना और डुई ये तो यहाँ रखे हुए है। अच्छा हाँ चलो जी, ये जो है अभी सामान जो है आहिस्ता आहिस्ता रेडी कर लिया है कि ये जो है सामान रेडी कर लिया, और ऐशा जो है यहाँ पे उनको जो है फ्रेश व्रेश कर रही है, अच्छे तरीके से उनको जो है वॉश कर रही है। चेक करें अरबी ऐशा, इसको कचालू बोलते हैं ना? कचालू और होते हैं। अच्छा कचालू और होते हैं। हाँ। वो भी हमारे खाते होते हैं। आलू और कचालू, आलू और होते हैं, कचालू और होते हैं, अरबी और होते हैं। अच्छा अच्छा हाँ। होते हैं कचालू, ये नहीं है कि नहीं होता है, होते हैं बिल्कुल, खाया भी है हमने। वो होते हैं, वो ज्यादा आपका मूड अभी से क्यों खराब हो रहा है? आपका मूड अभी अभी से क्यों खराब हो रहा है? वो एक दफा अम्मी ने बनाया था, वो ग्रेवी बन गई थी इसलिए जरा हम नहीं लेते वो। अरबी हमारी खाई हुई है, बनाते भी अच्छी बनती है माशाल्लाह से, जैसे आलू को भुनाई करते हैं ऐसे अंडा आलू बनाते हैं ना, वैसे लगती है। तो वो जो है ना और भी किस्म की थी, अच्छी भी नहीं लगी थी, जैसे अम्मी ने बनाया था वैसे जो है ना देख चरा खराब, किसी बच्चे ने भी नहीं खाया। अच्छा ये होगी आवाज। और अभी जो है इनको रिश्तेदारों को जो है वो धोते हैं, ऐशा ने पहले भी धोया था लेकिन काटने के बाद भी ऐशा वॉश करती है इनको, लेकिन साफ जो सुथराई है ना वो हमारे लिए है। बहन भाई तो कहते हैं कि इनको साफ सुथरा करें, वो हमारे लिए कहते हैं ना, क्योंकि खाएंगे तो हम तो अच्छी चीज बनाकर खाएं, अच्छा साफ सुथरा बनाकर खाएं, तो वो हम खाएंगे ना, और हमारी आदतें अच्छी होंगी ना, साफ धोएं साफ बनाएं खाना, जैसे हम बना के बच्चों को अच्छा खाना खिलाएंगे ना, हमारे बच्चों की भी वैसे आदत होगी, अच्छा खाना बनाएंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छे बनेंगे। हाँ और बहन भाइयों के लिए जो है हम बहुत सारी दुआ करते हैं, हमारे बहन भाई बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही नाइस हैं, जो पूरी फैमिली जो है हमारे व्लॉग देती है। सिर्फ एक वो रहती है तंदूरी, मैं ले आती फिर बनाते हैं। अच्छा एक वो रहती है तंदूरी और ढकना उठा के लिए, खाना काफी ज्यादा अच्छा खाया नहीं जाता। अच्छा सही, चले आपकी मर्जी, रुकिए अभी से आप तकिए शुरू कर रही हो निकालना, सारे तकिए बाहर ले आइयो, मेरा रुमाला मुझे दो, मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा फिर। ये साफ साफ रुमाला मदीने का रुमाला है, ये ऐसे साफ सुथरा रखा करो इसको, ये उस टाइम पहनता हूँ जब नमाज पढ़ने जाऊँ फिर। हाँ आपसे भी मैं जो आपने स्टोलर पहना हुआ है ना उससे भी सफेद है, चेक करो ये मुझे पता है किसने गिफ्ट किया था पता है, ये है मेरी अम्मी अल्ताफ भाई की, जो अम्मी है ना अल्ताफ भाई जी, वो दाढ़ी वाले जी, उनके घर गए थे, उनकी अम्मी गई थी उम्रे पर जी, तो उन्होंने मुझे पहनाया था ये वाला जी। कौन है दरवाजे पे, कौन खटखटा रहा है दरवाजा? हेलो देख लो पहले, ओ ये क्या हुआ है? ना क्लीन पे गिरा, कुछ पड़ी थी वो लगी। हाँ हाँ जी, फर्श पे गिरे हो आप, सोने सोने हो ना आप, आए, 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 क्या? और सुनाओ फातिमा ठीक हो? आप बजा रही थी गेट? हाँ जी आप इधर आना चाह रही थी? हाँ जी। चलो गेट बंद कर दो, काम आई थी कुछ। हाँ हुक्म करे हुक्म करे। आप ही जन कह रही है कि ऐसे ना वो लड़कियों वाली पसंद है जूता। हाँ। तो वो ना बुशा के साथ झगड़ा करता है, कोई अक्सा की छोटी हो तो उसे दे दो चप्पल। हाँ जी फिर हम लड़कियों वाली। हाँ जी वो फिर अपनी सिस्टर से पूछो ना, वो मुझसे क्यों पूछ रहे हो, वो लड़कियों वाली चीजें मैं थोड़ी रखता हूँ जेब में है अच्छा मैंने जेब में रखी हुई है चप्पलें छोटी बच्चों की वो चप्पल। हाँ इसको आएगी भी नहीं, छोटी आ जाएगी छोटी, कोई पड़ी हुई है वैसे वैसे वो जो पहनती थी अक्सा फूल वाली वो रखी तो है, वो जो है ना इसको पता आती है या नहीं आती है, इसके पाँव माशाल्लाह से भारी। हाँ माशाल्लाह इसके पाँव तो नहीं है भारी, भारी भारी हैं, मोटे मोटे हैं, फिर आपको आ जाएगी हसन
अच्छा कह रहे हो मुझे हो जाएगी। अम्मी ठीक है, अबू ठीक है, सब घर वाले ठीक हैं? सारा पाउडर लगा लिया मुंह पे दाढ़ी पे है। वाह जी वाह। चले फातिमा देखें उधर स्टोर रूम में आप, वो पड़ी हुई होंगी, मुझे लगता है एक पड़ी हुई है। अच्छा, तो वो अगर पहन उसको आ जाती है तो फिर वो कर लो, पहना दो इसको, ठीक है जी। हाँ फात चले। ऐसा क्या सोच रही हो यार, शुरू करो, सामान सारा रेडी है तो आग वगैरह जलाओ फिर शुरू करो, क्योंकि वहां से कोयल भी कर रही है। तू वो देखना सुनना, कल मैं तुम लोगों का गर्मी का इलाज जो है वो बना रहा हूँ, कल देखना स्विमिंग पूल बना रहा हूँ यहाँ घर पे, फिर देखना सब। हाँ हाँ कैसे, कल जो है इधर स्विमिंग पूल बना रहे हैं, आपको इनवाइट है, आपने भी आना है, ठंडा पानी होगा, बर्फ भी डालेंगे उसमें और स्विमिंग पूल बनाएंगे, ठीक है, आओगी ना? ठीक है जी, सब बच्चों को पकड़ के ले आना एक दफा सुबह तकरीबन 10-11 बजे, जब गर्मी होगी ना तब बनाएंगे ना, अभी सुबह सुबह आप आ जाओ 6 बजे, ठंड होती है सुबह सुबह, नहीं सुबह सुबह गर्मी नहीं होती, 11-12 बजे पर गर्मी खत्म हो जाती है। आप ट्यूशन कितने बजे जाते हैं? अच्छा ये बताओ, आपकी टीचर जो पढ़ाती है आप लोगों को, तो वो 8वीं क्लास वालों को भी पढ़ाती है? हाँ वो 1 को पढ़ती है। 1 क्लास, आप 1 क्लास में हो? हाँ जी, उधर मैं 5 पढ़ के आई हूँ, इधर शुरू से पढ़ रही हूँ। अच्छा फिर कोई और ढूंढनी पड़ेगी 8वीं क्लास की टीचर। अच्छा कल पूछ के आना, मुझे पढ़ाना अभी तो छुट्टियाँ हो गई, ट्यूशनों की छुट्टियाँ हैं, ट्यूशन हम जाते नहीं। अच्छा चलो, गर्मी है ना, क्या मुझे पढ़ाना है क्या टीचर का पूछ रहे हैं? हाँ यार मैं भी पढ़ूंगा, आप भी पढ़ोगी, साध भी पढ़ेगा और उसके बाद जो है अब्बू भी पढ़ेंगे, रुकिया भी पढ़ेगी, ठीक है। चले माशाल्लाह जी, ऐशा ने गैस जो है चूल्हा जला लिया है, इधर से देखें ये चूल्हा जल रहा है और इसमें जो है ऐशा ने काफ़ी सारा घी भी ऐड कर दिया है, आधा किलो डिब्बा था आधा किलो का, तो काफ़ी सारा जो है इसमें ऐड कर दिया है, ये देखें ये देखें ये चेक करें, वाह जी वाह। ये पूरी पूरी मिर्चियाँ डालती हैं ऐशा, उसको काटती बिल्कुल नहीं है, आधी आधी मतलब इसके बीच में जो है आपने चीरा लगा देता है ऐसे, कैसे ऐसे ना, ऐसे ऐसे ना, ये है ना। ओ माशाल्लाह, क्या लिया है, जूस ले लिया है? अच्छा अच्छा लगता है जूस, कौन सा लिया है, एप्पल वाला? चले मैं अपनी प्यारी बेटी को मैंने जूस दिला दिया है, और नहीं अख नहीं अख नहीं, खोल के दो इसको, जाओ मम्मा के पास जाओ, मम्मा को खोलो, कहो मुझे जूस खोल दे। मम्मा को खोलो और जूस। हाँ बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ यहाँ पे बैठ जाओ, उसकी चारपाई दोगी तो फिर बैठेगी ना, अभी ये शौक से जूस पीती है ना, वो बैठ गई है। हाँ मजे 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 मजे, खुश होती है। अरे यार बच्चों का जूस पी रही हो आप? क्या याद करोगी अक्सा, क्या याद करोगी। अच्छा इसके बाल माशाल्लाह जब से इसकी दादी ने मेहंदी लगाया है ना, रफ्ते रफ्ते प्यारे लगते हैं, वैसे अभी थोड़े गीले हैं पसीने की वजह से, जब सूख जाते हैं ना फुल रफ्ते लाल लगते हैं। हाँ जी वैसे प्यारे बाल हैं इसके, पहले जब छोटी थी इसके बाल इतने इससे भी ज्यादा घने थे, ज्यादा घने, तो ये बस बीमारी में आ गई है एकदम से, जब तो अभी माशाल्लाह फिट है अल्हम्दुलिल्लाह, बीमार हुई थी ना इसके बाल भी सारे झड़ गए, तो वैसे भी एक हफ्ता बीमार रहती थी एक हफ्ता ठीक रहती थी, एक हफ्ता क्या 2 दिन ठीक रहती थी, एक हफ्ता हम इसको ड्रिपे लगवाते रहते थे, कैल्शियम की कमी रहती थी। अच्छा तो अभी जना कमी पूरी हो गई है। हाँ
अभी इसके बाल भी अच्छे हो गए हैं, अभी जनाब खुद भी कुछ सेहत मंद हो गई है। अच्छा लग रहा है, खांसी में भी अच्छा है, पहले कुछ भी नहीं खाते थे। मसाला कुछ ग्रोन हो चुका है, अभी हल्दी और नमक और थोड़ी सी वो क्या कहते हैं नमक नहीं, थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड कर देते हैं, ये अच्छे भुनाई हो जाएंगे। फिर और जबरदस्त जबरदस्त वीआईपी आलू डाल दिए हैं ऐशा ने और अरवी डाल रही है, दोनों चीज़ें जो है मिक्स कर रही हैं, अभी इनको जो है हिला चुला कर मिक्स करते हैं और उसके बाद जो है ऐशा इसको लगा देगी दम। नमक डाल के दम, अच्छा डालो फिर नमक, ये देखो ये देखो नमक ये देखो। और इधर जो है चार पाई एक और भी मैंने निकाल दी है, मैंने कहा तीन हो जाएंगे बाकी रहेगी एक, एक जो है फिर बाद में निकाल लूँगा। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, सारा हमारा अच्छा खासा रेडी हो चुका है, थोड़ी सी देर थी, मैंने जरा काम आग करके उसको जरा दाम पे लगा दिया है, तो अभी जरा मैं गूंद रही हूँ आटा, पहले जरा आटा सनाई कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो बाद में जरा गूंदना स्टार्ट करूंगी, पानी भी ले आऊंगी और जरा ये भी आटा भी गूंद लूंगी, तो सनाई कर लूंगी फिर गूंदूंगी। वो ऐसा आपने टुकड़े पेटी में क्यों रख दिए थे? कौन से? वो जो उस दिन निकाले थे वो पेटी में रखे हुए थे टुकड़े। हाँ ओ, हम अलीपुर थे जब, हाँ वहीं के थे, भूल गए थे, फिर अभी मुझे याद आया अचानक, फिर मैंने निकाला था। क्यों? अच्छा पुराने घर में थे जब, हाँ वहाँ के रखे हुए थे जी। तो आपने पेटी में, अच्छा नहीं वो सामान हमारा जो है इधर उधर पड़ा हुआ था, तो जो भी सामान था वो बच्चे थे या बड़े थे उनको क्या पता था ये टुकड़े हैं या कोई और चीज है, बोरा में थे ना। हाँ तो इसलिए वो पेटी में रखे थे, तो ऐशा का ये नजर पड़ी कि ये पेटी में तो टुकड़े रखे हुए हैं। अच्छा ये बात है, वो क्या था उसको? तो बहन भाई कमेंट कर रहे थे कि आप टुकड़े अभी पेटी में रखते हैं? नहीं मैं, मुझे पता नहीं है, टुकड़े बाहर रखते हैं अभी वाले, वो थोड़े से थे, अम्मी ने बेच दिया था, अभी हम टुकड़े ज्यादा बनाते भी नहीं है क्योंकि साल का रोटी पूरी फिर बिना से जो हम खा लेते हैं बस। अभी दो दिन के हमारे टुकड़े यही बने हैं, ये देखो ये दो दिन के रखे हुए हैं। और ऐसे जना मैं ज्यादा आटा नहीं गूंदती, जो फारिक पड़ी रहे रोटी, अच्छी बात तो नहीं है ना। हाँ जी। तो वो टुकड़े जो है ना हमारे अलीपुर जब थे ना हम वही जतोई, हाँ के जन रखे हुए थे, फिर सामान इधर उधर उठाया, बच्चे ने जो ना पेटी में डाला, फिर मैंने पेटी जो ना खोली थी टक्के वगैरह रखने के लिए, और चार मैंने रजाया निकल थी चार पांच, फिर जो ना फारिक दो रखी थी, मैंने कहा ऐसे तो बहुत खराब हो जाएंगे, तो इसलिए जो है मैंने पेटी में डालने के लिए जो खोला तो पेटी में टुकड़े रखे हुए थे, उस टाइम मुझे भूल गया मैंने बाहर नहीं रखा, तो जब वो फेरे वाला आया फिर वो ऊपर ऊपर रखे थे ना, फिर मैंने उठा लिया था। वैसे तो हम पेटी में नहीं रखते क्योंकि चूहे वगैरह हो जाएंगे, कबीलियां हो जाएंगी। हाँ, हो जाएंगी। हाँ जी तो ये बात थी जी असल हकीकत। और रुकिया जो है यहाँ पे धो रही है बर्तन, रुकिया और बेसन को जो है बिल्कुल साफ कर देना बिल्कुल, फिर ये इसके सुराख जो है बंद हो जाते हैं, सालन जो है इसमें नहीं गिराया करो, कोशिश किया करो, फिर इसके सुराख बंद हो जाते हैं। यार मेरी बेटी को आपने चप्पल क्यों नहीं पहनाई, वो खुद ऐसे लेके घूम रही है, है? हाथ में मैंने चप्पल पहना हुआ, मुझे वो उसको अच्छा नहीं लग रहा, चप्पल नहीं पहना। आटा छनाई कर लो, आटा छनाई करके हाँ एक रोटी को दो ऐसे गिरा है, दो चार छ आठ दस बारह चौदह, फिर मैंने देखा ये तो दस थी, मैंने बीस की लिया। माशाल्लाह फिर आटा मैंने अच्छा खासा गूंद लिया, अभी जहाँ गुहे उठा के जाते तंदूर जला दें। हाँ जी काफी अंधेरा भी हो चुका है, अभी जना हम जा रहे हैं तंदूर जलाने के लिए। अच्छा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी कहाँ गए थे सामान लेने के लिए? सामान लेने गया था। रोटी बनाने नहीं आया अभी तक? रोटी नहीं बनाते यार, आज भूख ही नहीं है। अच्छा आज खाना नहीं खाना? आज पैंपर बच्चे को लगवा के सो जाना है।
चलो ठीक है जी। चावल बनाए हैं। अच्छा अच्छा, छोलू वाले। सही सही, छोले भी और दाल भी डाले हैं, खाने हैं तो आ जाओ। अल्लाह पाक नसीब करे, बिस्मिल्लाह पढ़े। ये क्या चाहिए? तंदूर जो है जला दिया है ऐशा ने जी। गोहे जो है जो लेकर आए थे वो सारे जो है डाल दिए हैं इसमें। अब ये जलेंगे तो हम भी रोटी बनाएंगे, वरना बैठते हैं इंतजार में। आ जाओ इधर बैठ जाओ, पंखा चल रहा है। हैं जी, फिर आटा जल्दी से ले आते हैं, फिर बैठे रहेंगे, तंदूर जल के जाएगा, फिर रोटी लगाएंगे। चलें ले आते हैं फिर। आ जाओ।